ये तो दिशाहीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। किसानों का आय दुगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये दिशाहीन बजट है जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए। एक दिशाहीन बजट। छत्तीसगढ़ के अनुसरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए आवास, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसमें पूरे देश के गरीबों को जिनके छत नहीं है उनके लिए आवास देने का एक महत्वाकांक्षी योजना वाली प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, उस योजना में 80 लाख आवास हेतु 48,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। पर दुर्भाग्य देखिए, 48,000 करोड़ में छत्तीसगढ़ को एक पैसा नहीं मिलेगा। 48,000 करोड़ का बजट में प्रावधान रखने के बाद भी ये हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का दुर्भाग्य है कि सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और गलत नीतियों की वजह से हम जो आवास के लिए, शहरी और गरीबी आवास के लिए जो मैचिंग ग्रांट देते हैं उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है इस बजट में। यानी ये 48,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ के लिए कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो सबसे बड़ा शेयर छत्तीसगढ़ को मिलता रहा है और पिछले बार भी 11,000 करोड़ की राशि हम उपयोग नहीं कर पाए। ये छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अधोसंरचना और गरीबों के लिए सबसे बड़ा कुठाराघात होगा कि इतनी बड़ी राशि का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये हॉस्पिटलिटी सेक्टर में 5 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है, सबके लिए शुद्ध पेयजल, और ये एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जी का है जो लगातार कंटिन्यूटी में चल रहा है। 8 लाख करोड़ के बाद इस साल भी 3.8 करोड़ लोगों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए इस बार भी प्रावधान 16,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। उनको बजट को, क्योंकि उनको निराशा किसमें हो रही है, प्रावधान उसमें किए गए हैं जो गरीबों के लिए है, प्रावधान उसके लिए किए गए हैं आवास के लिए, जिसमें 1 रुपया ले नहीं सकते, जिसमें आवास के लिए जो पिछले 2 साल से एक आवास नहीं बनाए, इस बार भी इतनी बड़ी राशि का प्रावधान रखने के बाद भी आवास योजना में ये, चूँकि उस आवास योजना से 1 रुपया इनको मिलना नहीं है क्योंकि इनके पास मैचिंग ग्रांट नहीं है, तो ये इनको इस पर लगता है कि ये इनके काम करी है। इस बजट के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि कैसे उत्पादन बढ़े, और उसके लिए जो प्रावधान किए गए मैं उसका जिक्र बाद में करूँगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन का व्यवस्था कैसे हो सकता है। गति शक्ति, तीसरा और चौथा फाइनेंस, ये 4 पार्ट में इस बजट को समझा जा सकता है। और इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण 2,30,000 किसानों का MSP पे भुगतान करने के लिए राशि का प्रावधान रखा गया है। 44,605 करोड़ किसानों के लिए प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का प्रावधान रखा गया है। 60 लाख युवकों को रोजगार देने के लिए इस बजट में संभावना इससे बनती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 25,000 किलोमीटर विस्तार, जिसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राशि खर्च होने वाली है। MSME के सुविधा हेतु 6,000 करोड़ का प्रावधान इस पर रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत की गई है उस बजट का मैं स्वागत करता हूँ। वास्तविक में कोरोना काल और जिस प्रकार से वैश्विक जो स्थिति है उसके अनुरूप में ये बजट हमारा बहुत अच्छा प्रस्तुत हुआ है। इस बजट में खास करके किसानों की चिंता की गई है, साथ ही विकास को कैसे दिशा दिया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, ये प्रावधान रखे गए हैं। और उसके साथ में
जो ढांचागत विकास है उन सबके लिए एक राशि की व्यवस्था। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास 80 लाख मकान बनाए जाएंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है कि जिससे गरीब लोगों को छत मिल सके। 60,000 करोड़ रुपए नल जल घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था, ये सरकार के द्वारा एक बड़ा उपपद किया गया है। इसी प्रकार से राज्यों को जिस प्रकार से अभी लोन में जो तकलीफ हो रही है उसको 50 साल तक बिना ब्याज के कैसे ऋण उपलब्ध कराया जा सके उसके लिए एक समुचित प्रावधान इस बजट के द्वारा की गई है। खेती में के लिए जो एक नई कृषि नीति में जो सुधार, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है जिससे खेती के लागत में कमी आए और उत्पादन की क्षमता बढ़े, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसके साथ में हाईवे निर्माण के लिए 25,000 किलोमीटर प्रत्येक वर्ष का निर्माण, और उसके साथ ही साथ कि हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको नई नौकरियां कैसे दी जा सके उसके लिए जो एक प्रावधान किए गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि विकास दर लगातार गिर रही है, लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार के द्वारा विकास दर 9.2% जो आकलन किए गए हैं निश्चित रूप से ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले हैं, एक संतोष के विषय है। और उसके साथ में कॉरपोरेट टैक्स जो 18% है उसको घटा करके 15% किया गया है। हम यदि समुचित रूप से देखें तो किसानों के गेहूं की खरीदी के लिए, धान के खरीदी के लिए और जो वहां पर व्यवस्था की गई है उसके साथ में राज्यों को ऋण देने के लिए 5,00,000 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है, 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाने की बात जिक्र की गई है।